नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना बीमारी के चलते उल्लासनगर 4 की सरकारी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाई गई, जहां कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। कैंप 4 में रहने वाले समाज सेवी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि इस कोरोना महामारी के चलते शहर के किसी भी हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। आइए जानते हैं क्या है कहना समाज सेवी जीतू राठौर का। देखिए, इस कोविड हॉस्पिटल में पिछले 2 दिन पहले एक पेशेंट को हमने एडमिट किया था, जिसका नाम मीरा पात्रे करके है। रात को मेरी डॉक्टरों से बात हुई, उसके बाद में यहाँ पर हमने एडमिट किया उनको। एडमिट होने के बाद में ऑक्सीजन लेवल उनका कम था, डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन उनको दिया। आज मॉर्निंग से उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनकी जो पल्स रेट है, जो सेचुरेशन होना चाहिए 95 या ऐसा, उससे कम आ गया, 70, 80, 85 ऐसा जा रहा था। तो डॉक्टरों ने फैमिली को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद में डॉक्टर्स लोगों ने बताया कि भाई इनका कंडीशन क्रिटिकल है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आए। आने के बाद में मेरे अंदर यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों के साथ में बातचीत हुई। बात होने के बाद में यहाँ से जो बात निकल कर आई है वो मैं आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। डॉक्टर्स लोगों ने बताया कि हमारे पास में जो है नॉर्मल ऑक्सीजन है, हमारे पास में लिक्विड ऑक्सीजन नहीं है। और लिक्विड ऑक्सीजन अगर रहेगा तो पेशेंट को और थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है या फ़ायदा हो सकता है उसका। इसके लिए मैंने यहाँ के जो आरोग्य अधिकारी हैं ताबड़तोड़ उनको फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाने के बाद में उनसे मैंने पूछा कि अपने उल्लासनगर के अंदर कौन से हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट के लिक्विड ऑक्सीजन की सुविधा है। तो उन्होंने मुझे बताया हमारे उल्लासनगर के अंदर ये सुविधा नहीं है, आपको अगर लिक्विड ऑक्सीजन जाना चाहिए तो आपको थाने के बाहर जाना पड़ेगा, मुंबई की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये है कि 7-8 महीने में उल्लासनगर महानगर पालिका या उल्लासनगर के जो ये आरोग्य के अधिकारी हैं या सारे लोग मिलकर हम लोग एक पेशेंट को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, 8-9 महीने में भी हम दे नहीं पाए हैं, तो फिर ये करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है? हेल्थ के विषय में जो बड़ी बड़ी, अब मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े ढिंगाने मारे जा रहे हैं कि हमने ऐसा किया है वैसा किया है। एक 35-40 वर्ष की महिला है ये, इसको कोई भी बीमारी नहीं है, ना तो शुगर है, ना डायबिटीज, ना तो उसको बीपी है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं। यंग एक स्त्री आती है, इसको कोविड का थोड़ा इन्फेक्शन है और 3 दिन के अंदर अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़कर उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरा प्रशासन से सवाल यही है, इस प्रकार से उल्लासनगर में मृत्यु होती रही और हमने हमारी जो आरोग्य व्यवस्था है उसको सुधारा ही नहीं, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या महानगर पालिका के सामने पूरे नगर को, उल्लासनगर को या सारे लोगों को एक साथ में रोड पर आकर भीख मांगनी पड़ेगी क्या कि आप हमारे लिए सुविधाओं को करो? ये निंदनीय बात है। माननीय आयुक्त जी से मेरा प्रश्न है, आपको आकर अब कुछ समय तो हो चुका है, आपका काम है इम्प्लीमेंट करना सुविधाओं को, आरोग्य सुविधाओं को बढ़ाना। इससे पहले भी एक पेशेंट का मेरा प्रॉब्लम हुआ था, आयुक्त जी से बात हुई थी, उन्होंने सत्यसाई में एडमिट कराकर वो पेशेंट ठीक हो गया। क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों हॉस्पिटलों के ट्रीटमेंट में डिफरेंट है क्या? प्राइवेट में एक अंतिम सिचुएशन पे पहुंचा हुआ व्यक्ति ठीक हो जाता है, और गवर्नमेंट में एक अच्छा खासा आया हुआ व्यक्ति जिसको सही ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन, यहाँ के डॉक्टरों का कहना है, उन्होंने अपनी व्यथा को आज सवेरे मुझसे बताया है कि हमने प्रशासन को बताया, अधिकारियों को बताया, लेकिन उन लोग अभी तक कर नहीं पाए हैं। क्या इस वजह से हम हमारे उल्लासनगर के जो लोग हैं उनको खोते रहें? ये सवाल है और सभी के लिए, पूरी जनता के लिए एक साथ में आकर हमको जरूर प्रशासन से इस बात को पूछना पड़ेगा। इसी विषय पर कल मनपा में हुई पत्रकार परिषद में मनपा आयुक्त से भी जानकारी ली गई, तो उन्होंने क्या बताया आइए जानते हैं। तुम्हाला शेवटी आपण सांगण्यात येणार ऑप्शन एकच आहे।
दुसरी पर्याय आहे की गॅसेस ऑप्शन. की गॅसेस ऑप्शन काय म्हणतो, त्याचं लिमिटेशन करतो जे आता जंबो सिलेंडर असून जाते. ठीक आहे, आता पेशंटला किंवा कोणाला माहिती नाही की त्यांना लिक्विड ऑप्शन पाहिजे का गॅसेस ऑप्शन पाहिजे. शेवटी ऑप्शन आहे की सोर्स ऑक्सिजनचे स्रोत आहे, हा स्रोत आहे हा दोन डिफरंट स्रोत. आणि इथे आपल्याकडे सध्या आपण उल्हासनगर महानगरपालिकेला कुठलाही हॉस्पिटलला ऑक्सिजनची कमतरता नाही. परंतु आपण काय करतो, जे मॅटर्निटी हॉस्पिटल जे आहे तिकडे ऑलरेडी शासनाकडून लिक्विड ऑक्सिजन टँक बसण्यासाठी प्रपोजल मंजूरी झाली. लिक्विड ऑक्सिजन म्हणजे 6 किलोलिटरचा. तर तो पॉईंट आपण काय करतो, तिथे जम्बोसोबत आपण मॅनेज करतो. परंतु तिकडे 250 लिटरच्या जुरा सिलिंडरच्या बसण्याच्या कारवाईतून सुरू तो एखादा पेशंटच्या ऑक्सिजन लिक्विड ऑक्सिजन भेटत नाही की पेशंट कोणी सांगू शकतो. कारण पेशंटला शेवटी लिक्विड ऑक्सिजन असो गॅसेसाठी असो तोच पाईपलाईन मधून देणार आहे, तोच मास्कडून देणार आहे. तो ये लिक्विड ऑक्सिजन और गैसेज में फर्क नहीं है, सेम ही है, बट सिर्फ हमारा सोच का डिफरेंट है. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.